Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 4, multiplication. In previous video, I have explained you what is multiplication. In today's video, I am going to explain you questions from exercise 4.1. So let's move to question number 1. Your question 1 is find the products. तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट्स का मीनिंग भी क्या होता है. जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. सो आपका ए पार्ट यहाँ पर गिवन है 3835. इस नंबर को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले आपको टेबल्स आने चाहिए. सो आपको ये वीडियो के बाद अपनी नोटबुक में रफ नोटबुक में टेबल्स भी राइट डाउन करने हैं ताकि आपकी टेबल्स की प्रैक्टिस हो जाए. सो सेवन फाइव्स आर मीन सेवन के टेबल में फाइव पर कितना नंबर आता है. ठीक है, सो हम सेवन की टेबल बोलेंगे. सेवन वन आर सेवन, सेवन टू आर फोर्टीन, सेवन थ्री आर ट्वेंटी वन, सेवन फोर आर ट्वेंटी एट, सेवन फाइव आर थर्टी फाइव. सो 35 हमारे पास आया. इसमें जो वंस प्लेस का डिजिट है वो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे और जो आपका टेंस प्लेस का डिजिट है वो आपका कैरी बनेगा. नेक्स्ट 7 थ्री आर 21, 21 में जो आपका कैरी नंबर है उसको प्लस करना है. मल्टीप्लाई में जो आपका आंसर आता है उसके अंदर आपका कैरी प्लस होता है. तो 7 थ्री आर 21, 21 प्लस 3 इज 24. 24 में 4 आपका मैंने यहाँ लिखा और जो आपका 2 है वो आपका अगेन कैरी बन गया. देन 7 8 सा 56, 56 में 2 प्लस किए 58. सो 8 यहाँ और 5 आपका अगेन कैरी. देन 7 3 सा 21, 21 प्लस 5 इज 26. सो आपका आंसर आ गया 26,845. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है 8,962 मल्टीप्लाई बाय 5. तो इसमें हमें कौन सा टेबल आना चाहिए, 5 का. सो 5 टू आर 10, 1 कैरी गया और 0 नीचे. देन 5 6 आर 30, 30 में 1 प्लस किया 31. सो अगेन 3 कैरी एंड 1 नीचे. देन 5 9 आर 45, 45 में 3 प्लस किया 48. सो 8 यहां पर और 4 आपका कैरी. देन 5 8 आर 40, 40 प्लस 4 इज 44. सो आपका आंसर आ गया 44,810. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा. Now let's move to the question number 2. Your question 2 is arrange in columns and find the products. आपको columns में arrange करना है और उसके बाद product find out करना है. So this is your A part. So column में arrange हम कैसे करेंगे? First number आपने लिखा, then multiply by 9. So आपका 9 यहाँ पर आएगा and put the sign of multiply. This is according to कॉलम्स. अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. सो इट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो अब आपको 9 का टेबल बोलना है. 9 वन सर 9, 9 टू सर 18. सो 18 में 1 आपका कैरी एंड 8 नीचे. ठीक है, देन 9 वन सर 9, 9 टू सर 18, 9 थ्री सर 27, 9 फोर सर 36, 36 प्लस 1 37. सो 3 यहाँ पर और 7 यहाँ. ठीक है, देन अगेन 9 का टेबल बोलेंगे हम. 9 वन सा 9, 9 टू सा 18, 9 थ्री सा 27, 9 फोर सा 36, 9 फाइव सा 45, 9 सिक्स सा 54. 54 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 57. ठीक है, देन 9 7 सा अब हमें तो मतलब 7 तक बोलना है. 9 7 सा 63.
सो 63 प्लस 5, तो आप आगे काउंटिंग कर सकते हो, 64 65 66 67 68, 5 प्लस हो गए, सो आपका आंसर आ गया 68. अब पूरा आंसर आपका क्या है, 68,778. सेम मेथड हम नेक्स्ट पार्ट में अप्लाई करेंगे, कॉलम में अरेंज करने के बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. सो राइट डाउन द नंबर 4759 मल्टीप्लाई बाय 4. तो अब आपको किसका टेबल आना चाहिए, 4 का. देन 4 का टेबल कहां तक बोलना है, 9 टाइम्स तक, ठीक है. सो 4 9s आर 36. सो 36 में 3 आपका कैरी एंड 6 आई हैव रिटन हियर. देन 4 5s आर 20, 20 प्लस 3 इज 23. देन 4 7s आर 28, 28 प्लस 2 33 एंड 0. देन 4 4s आर 16, 16 प्लस 3 19. सो आपका आंसर कितना आया, 19,036. आई होप आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा. इसके बेसिस पर आप रेस्ट ऑफ द पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी.